अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल एंड ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड एट योर प्लेसेस। सो एज इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी टेक जनरल टॉपिक्स ऑफ ग्रामर एंड एक्सप्लेन इट टू यू, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल टेक टॉपिक्स व्हिच आर फ्रॉम योर कोर्स फॉर एक्सप्लेनेशन। द कोर्स विल बी ऑफ योर नेक्स्ट क्लास। एज यू पीपल वर इन क्लास 4 एंड आर प्रमोटेड टू क्लास 5, सो यू पीपल शुड हैव क्लास 5 बुक्स इन ऑर्डर टू हैव द लेक्चर्स प्रॉपरली। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू कम टू स्कूल्स ऑफिस एंड टेक द बुक लिस्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड गेट द बुक्स of your course from nearest bookstore. This was the book Junior English which we had in our course last year, but from this year we will have this book Grammar Today for grammar purposes. Let's come to the topic. This book have this very good nice thing called letters revise. Isme kya hota hai, isme we will revise our previous topics, like with the topics we learned in class 4. We are going to revise the topics and then we will start our new topics. So the first exercise of this topic is subject and predicate. What is subject and what is predicate? So subject and predicate is basically the two parts of a sentence. What is sentence first of all? Sentence is basically a group of words which makes sense. For example, make words, sentence bold, a group of words. What are group of words? Those are the other words, right? For example, I'm saying game. Book, favorite, Ali. These are the group of words. But क्या ये words sense बना रहे? No, they are not making any sense. तो ये sentence हमारा नहीं हुआ. अगर group of words हैं तो उनका sense भी बनना चाहिए, ठीक है? तो for example I said Ali's favorite book is Quran Park, ठीक है? तो this sentence makes sense और ये group of words भी हैं. तो this group of words are सेंटेंस, ठीक है? तो अब इसी सेंटेंस पे हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट निकालना है, ठीक है? अब नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते हैं हम उन पार्ट्स को जिसके बारे में बात हो रही है। दो वेरी इजी डेफिनेशन है, उसको हम अपनी ही लैंग्वेज में समझें। सब्जेक्ट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग अ सेंटेंस, अली इज़ अ गुड बॉय। किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है। तो अली क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस भी, थिंग भी, कुछ भी हो सकता है। मोहनजोदड़ो इज एन एंशियस प्लेस, ठीक है? तो एंशियंट प्लेस, तो ये क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। किसके बारे में बात हो रही है? व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? मोहनजोदड़ो, ठीक है? तो सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट हम उस पार्ट को कहते हैं, उस सेंटेंस को, उस पार्ट को कहते हैं जो बात हो रही है। अली इज अ गुड बॉय, किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? दैट ही इज़ अ गुड बॉय। तो इस अ गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया, और किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है, तो अली सब्जेक्ट हो गया। सो दिस इज हियर द एक्सरसाइज ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग करना है, ठीक है? नंबर वन सेंटेंस है, द ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स सैंग 10 सॉन्ग्स, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात हो रही है? Sang 10 songs, तो ये sang 10 songs हमारा क्या हो गया? Predicate हो गया, ठीक है? Number 7 हम ले लेते हैं example, as you and your friend can go to the library now, ठीक है? यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? You and your friend के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी subject हो गया, and हम क्या बात कर रहे हैं? Can go to the library now, तो ये हमारा predicate हो गया, ठीक है? तो this is the exercise of the 12 sentences। आपको क्या करना है? आपको एक्सरसाइज को पेंसिल से अपनी जो आप न्यू कोर्स लेके आएंगे उसमें सॉल्व करनी है, ताकि जब आप फर्स्ट डे स्कूल आएँ तो आई एम गोइंग टू चेक दिस, ठीक है? अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 है नाउन, विच इज़ वेरी ईजी और हम सब हमेशा से पढ़े हैं। वॉट इज नाउन? एनी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज नाउन, ठीक है? एवरीथिंग अराउंड अस इज बेसिकली नाउन। तो हमारे बराबर में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दे आर इन थिंग्स, या तो वो पर्सन हैं या थिंग्स हैं या वी आर सिटिंग ऑन प्लेस। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज बेसिकली अ नाउन, बट नाउन कहते हैं किसको? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को जो हम देते हैं, ठीक है? सो दिस इज द एक्सरसाइज, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है और कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है? व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, पहले हम कॉमन नाउन पढ़ते हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा कोई भी नाउन है, फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, तो ये हमारे कॉमन नाउन हो गए। और अगर मैं किसी एक का नाम ले रही हूँ, अली का, तो अली का नाम मैंने लिया, वो स्पेसिफाई कर दिया मैंने, तो वो क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर मैं कायदे आज़म की बात कर रही हूँ, इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। ऑल ऑफ अस आर इन कॉमन नाउन, ठीक है? हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, मिस्टर अकरम इज पेंटिंग हिज हाउस।
यहाँ पे मिस्टर अक्रम को स्पेसिफाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर अक्रम कौन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। और हाउस, हाउस इज अ, पहले तुम देखेंगे सेंटेंस के अंदर जब सेंटेंस बना रहे हैं कि इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से, तो नाउन कौन कौन से, मिस्टर अक्रम बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, और हाउस ही इज़ अ, सॉरी हाउस इज़ अ प्लेस, तो ये हमारे दो नाउन हो गए। पेंटिंग इज़ अ वर्ब, तो वो हमारा काउंट नहीं होगा, और हिज भी हमारा प्रोनाउन हो जाता है, इसलिए हम उसको भी हम नाउन में काउंट नहीं करेंगे। नाउन बेसिकली दो हैं, ठीक है, मिस्टर अक्रम और हाउस। हाउस क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो वो हाउस हो गया हमारा कॉमन नाउन, लेकिन मिस्टर अक्रम यहाँ पे हमारे पास एक ही हैं तो वो हमारे हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल पे आते हैं हम, एट, मीरा हैजंट सीन द न्यू फिल्म, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नाउन कौन कौन से है। मीरा इज़ अ नाउन ऑफ कोर्स बिकॉज इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक नाउन हो गया फिल्म, बाकी सब तो वर्ब आते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो हम ऐसे नाउन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मीरा क्योंकि यहाँ पे एक है, फिल्म का अगर नाम दिया हुआ होता किसी मूवी का तो फिर वो हमारा प्रॉपर नाम होता, बट यहाँ पे हमें उन्होंने सिर्फ फिल्म लिखा है, फिल्म कोई भी हो सकती है, तो फिल्म हमारी हो गई कॉमन नाउन, और मीरा क्योंकि नाम है स्पेसिफाई करा हुआ है तो ये हम मीरा हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। तो इस एक्सरसाइज की भी आपको 12 सेंटेंसेस दिए हुए, और अपर वाली जो एक्सरसाइज 8 थी उसकी भी 12 सेंटेंसेस दिए हैं, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट इन योर बुक्स बट विथ पेंसिल, ताकि अगर कोई गलती हो तो हम उसको सही कर सकें। तो अगर आप बुक्स का अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा ऑफकोर्स, और आप इसको अच्छे से पेंसिल से सॉल्व करेंगे जब फर्स्ट डे आएंगे तो आई एम गोना चेक इट, और मे बी कि अगर आपने जितने असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं आपने इनका अच्छे से इन्हें सॉल्व किया, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जब नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 5 में फर्स्ट मंथली में आपको उसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएँ, तो प्लीज़ थोड़ा तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।